जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, विश्वास करो, मुझ पर सर्वशक्तिमान भगवान की अनंत कृपा है। वे भगवान मुझसे अहेतुक प्रेम करते हैं। भगवान की कृपा शक्ति से मेरे सारे विघ्न नष्ट हो गए और हुए जा रहे हैं। उनकी कृपा शक्ति के प्रकाश में मेरे समीप किसी प्रकार का अंधकार नहीं आ सकता। उनकी कृपा शक्ति से मेरे सारे दुर्गुण दुर्विचार नष्ट हो गए। उनकी कृपा शक्ति से मुझ में विश्वास, प्रेम, शांति, समता आदि उत्पन्न हो गए। उनकी कृपा शक्ति से मेरा भविष्य परम उज्ज्वल हो गया है। मैं समस्त पाप ताप से मुक्त होकर उनके चरण कमलों में निश्चय ही पहुंच जाऊंगा। मन की कैसी भी अवस्था क्यों न हो, कोई परवाह नहीं। केवल जीभ से निरंतर भगवान का नाम लीजिए, फिर सारी जिम्मेवारी भगवान संभाल लेंगे। केवल जीभ से नाम स्मरण और कोई शर्त नहीं। भक्ति नहीं कर पाते, इसका क्या कारण है? हृदय में मैल भरा है। चाहे ज्ञानहीन हो, चाहे वैराग्यहीन हो, चाहे अशुद्ध चित्त, पर यदि कथा सुनते हो तो क्रमशः भक्ति के मार्ग पर आ सकोगे और प्रेम लाभ होगा। अंत में ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी की संतान है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी की संतान है। भक्ति उन्हें अनायास तुम्हें दे देंगी। भक्ति तो साधन है, उसमें तो आवश्यकता है केवल श्रद्धा की। आवश्यकता है केवल श्रद्धा की। सदा अपने मन को देखते रहो। अभिमान, काम, क्रोध और मोह आदि लुटेरे मन रूपी महल में ऐसे दुबककर छिपे रहते हैं कि साधारण दृष्टि से देखने पर यह पता ही नहीं चलता ये अंदर मौजूद हैं, परंतु मौका पाकर ये प्रकट हो जाते हैं और फिर सद्गुण और सद्विचार रूपी धन को ऐसी निर्दयता से लूटते हैं कि उम्र भर का किया कराया प्रायः सब नष्ट हो जाता है। भगवान को प्राप्त करने की तीव्रतम अभिलाषा, अनन्य कामना जब उत्पन्न हो जाती है, तब भगवान के अनुकूल का आचरण और प्रतिकूल का वर्जन अपने आप हो जाता है। जब साधक के प्राण रो उठते हैं, क्रंदन करने लगते हैं, उसके अंतर में भीषण ज्वाला धधक उठती है भगवान को प्राप्त करने के लिए, तब उसके लिए सब कुछ त्याग कर देना सहज हो जाता है। सब कुछ त्याग कर देना सहज हो जाता है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।